बच्चे ध्यान देंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर आपको दिया गया है, यस प्लस फोर। तो यस प्लस फोर जो आपका है कंबाइंड है, यानी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो ये आपको हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये कंबाइंड है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और इक्वल सिक्स लिखा गया है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन। अब चलिए आगे देखते हैं, थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर। अब इसमें देखते हैं कि वेरिएबल क्या है, ये आपको वेरिएबल लिखा गया है। जो भी इसमें आपके अल्फाबेट है, जो भी आपके अल्फाबेट है वो वेरिएबल होते हैं। मीन्स आपको, आप देखिए थ्री के साथ क्या लिखा गया है, एक्स वाई है, ये आपका वेरिएबल है एक्स वाई। और टू के बाद एक्स ऐड है, जुड़ा हुआ है, ये आपका वेरिएबल है। लेकिन इसमें देखना, ए आपका यक्स, ये भी यक्स है, तो ए क्या हो जाएगा आपका, सिंगल सिंगल यक्स हो जाएगा। और इसके बाद ए वाई है, ए आपके वेरिएबल होते हैं, यानी जो भी अल्फाबेट होते हैं वह आप वह वेरिएबल होते हैं। समझ में आया जी? Yes, जो भी अल्फाबेट वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अगर दो अल्फाबेट कॉमन हो तो सर उसे एक ही बार लिखा जाता है? हाँ जी, एक ही बार लिया जाता है। ठीक जी, समझ में आया? Yes, sir. अच्छी, आप सीधे बजाय नहीं, आपको मैं रिमूव कर दूंगा, ध्यान से सुन लेना। आप देखना आपका अगला है नेक्स्ट कंस्टेंट। अगला आपको बताया जा रहा है कंस्टेंट, मीन्स क्या होता है ये भी समझिए, जो चेंज नहीं होता है, कन्वर्ट नहीं होता है, और क्या होता है, केवल डिजिट के रूप में होता है, केवल डिजिट होता है, उसके साथ और लगा नहीं होता है, कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है। तो क्या होता है, ये आपका कंस्टेंट होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल न लगाओ। ठीक जी? यस सर। तो आपको बताया गया कि कंस्टेंट जो चेंज नहीं होता है और उसके साथ कोई वेरिएबल लगा नहीं होता है, केवल डिजिट के रूप में होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, कांस्टेंट। समझ में आया सभी को? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम?
नो सर। नो सर। ठीक है जी, अंशुल त्रिपाठी आप रिमूव होने वाले हैं। अब देखिए आप टर्म, आगे आप टर्म देखिए, टर्म आपको बताया जा रहा है। तो टर्म में ये देखना आपको लिखा गया है 3xy + 2x + 4, इसमें जो भी प्लस माइनस होता है उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3xy, 2x and 4। समझ में आया जी सभी को? यस सर। Yes, sir. टर्म समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. आपको दिया 3xy + 2x + 4, इसमें जो भी प्लस माइनस लगे रहे होंगे उसे हटा देते हैं और कोमा लगा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म। आ गया जी समझ में सभी को? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। है किसको? है किसी को? नो सर। नो सर। हाँ जी। नो सर। देखिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको पूछना चाहिए। ये क्या लिखा गया आपको? कोफिशिएंट। अब देखिए एक मिनट, ये आपका हाँ जी 3xy है जी, 3xy है। 3xy का कोफिशिएंट क्या होगा? जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसे हटा दीजिए। क्या पूछा गया xy का कोफिशिएंट? 3xy का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया गया यहाँ कि 5xy, अगर मान लीजिए यहाँ xy का कोफिशिएंट पूछा जा रहा तो क्या बच रहा आपका? 5। ठीक है जी समझ में? यस। मान लीजिए 4 x2, तो यहाँ पर आपको x2 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 4। आया जी समझ में सर? यस सर। जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है सर, जो नंबर बच जाता है वही लिख देते हैं। हाँ वही लिख देना आपको। ठीक है सर। कोफिशिएंट सर, कोफिशिएंट नंबर लिखे जाएंगे ना? हाँ जी नंबर लिखे जाते हैं, नंबर ही लिखे जाते हैं। आया जी समझ में? यस सर। यस। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अगम कुमार आपको मैं रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो आगे चले? यस सर। यस सर। अब देखना आपको फैक्टर बताया जाएगा। फैक्टर मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया 2xy, इसका फैक्टर कर लीजिए। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, x होगा एंड y। आया जी समझ में? यस। फैक्टर करते हैं आप तो फैक्टर में एक सबको अलग अलग कर लेते हैं। हाँ जी,
टू एक्स वाई का फैक्टर क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है जी, समझ में? यस। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। अगर मान लीजिए आपको यहाँ दिया है फोर एक्स ठीक, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? फोर और एक्स, ये नहीं कर सकते, टू एक्स ये भी तो कर सकते हैं। यस आया जी समझ में? अगर मान लीजिए टू एक्स केवल इसका फैक्टर करना है तो क्या हो जाएगा सर? टू एक्स वन वन एक्स टू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आपके अंकल की पार्टी बहुत आवाज आती है इसलिए मैं सॉरी सर। आ गया जी समझ में सभी को? यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जिसको अगर कहीं भी दिक्कत लगे, कहीं भी प्रॉब्लम लगे, कहीं भी डाउट लगे तो पूछ लिया कीजिए, और कोई चीज पूछने से ही आता है। फिर जी इसके बाद आपका टर्म है अब देखना, टर्म दिया गया है, टर्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्म को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है लाइव टर्म, सेकेंड होता आपका अनलाइव टर्म। समझ में आया जी? एक होता है लाइव टर्म, यस सर, और सेकेंड होता है अनलाइव टर्म। और लाइव टर्म क्या होते हैं सबसे पहले देखिए, लाइव टर्म जिसके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, मीन सेम होते हैं, जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम मत बोला करो, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, विशेषकर अंशुल त्रिपाठी। जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आपका लाइव टर्म हो जाएगा। देखिए आप 3xy टू एक्स वाई, इसमें देखना इनके वेरिएबल क्या है, सेम है। समझ में आया जी? फॉर एग्जाम्पल 3xy एंड 2xy, यहाँ पर ले लीजिए 3x एंड 2x, आया जी समझ में सभी को? यस सर। तो यस लाइव टर्म, फिर तो समझा दी, लाइव टर्म जिसके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होते हैं, अर्थात कह सकते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, लाइव टर्म होते हैं। आ गया जी समझ में सभी को? यस सर। यस सर। ठीक जी, अब देखना आपका अनलाइव टर्म है। अनलाइव टर्म में जिसके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि जिनके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, अनलाइव टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3xy 2x, देखो यहाँ वेरिएबल क्या सेम नहीं है,
सेम है? सेम नहीं है ना सर? सेम नहीं। नो सर। जब वेरिएबल सेम नहीं है सर, सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। आ रहा जी समझ में सभी को? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। नो सर। यहाँ पर कर दे 4x² कॉमा 3x कर लीजिए। यहाँ भी वेरिएबल सेम नहीं है, ये स्क्वायर में है और ये आपका सिंगल है। समझ में आया जी सभी को? यस सर। 4x² y कॉमा कोई और कर लीजिए, 3ab कर लीजिए। आया जी समझ में सभी को? यस सर। यस सर। हाँ इतना yes. ना कि अनलाइक टर्म में क्या होते हैं, वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। ठीक सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अच्छा जी ठीक है। अभी आप लोग से पूछेंगे, ध्यान रखना। टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है जी? यस सर। यस। आपको टाइप ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आपको फर्स्ट पर आ जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल को डिफाइन करते हैं एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल मीन ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। आप आपको इतना ही ध्यान रखना है, ओनली वन टर्म। मोनोमियल में ओनली वन टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2xy ठीक जी, 3x 4x समझ में आ रहा है जी? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर ये समझ में आई जो है सर, जो 2xy है बस सिर्फ वो एक टर्म है और उसके बाद ये केवल आपका ओनली वन टर्म है, इसके साथ प्लस माइनस लगकर ऐड होकर कोई और जुड़ा नहीं है। ठीक है जी समझ में? यस सर। इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं लगता सर, वही मोनोमियल है। हाँ यानी लाइफ टर्म। आ गया जी समझ में? यस
आपको माइंड में इतना ही रखना है कि मोनोमियल्स मीन ओनली वन टर्म, फोर भी कर सकते हो, थ्री भी हो जाएगा, ये क्या है ओनली वन टर्म है। Yes. समझ में आया जी सभी को? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? No. तो एक आख बच्चे से पूछ ले, चलिए लक्ष्मी रानी ही बताएगी मोनोमियल्स मीन्स और फॉर एग्जाम्पल। सर मोनोमियल मीन्स होता है सर जो सिर्फ ओनली वन टर्म सर, जैसे टू ए बी हो गया और सर थ्री हो गया सर फोर एंड सर टू एक्स ए हो गया सर, ये सब होते हैं। ठीक है जी, आप देखिए सेकेंड नंबर पर, सेकेंड नंबर पर आएगा आपको बायनोमियल। अब देखना इसमें आपका वन टर्म था, इसमें क्या हो जाएगा आपका टू टर्म, क्या हो जाएगा टू टर्म, टू टर्म। समझ में आया जी सभी? लेकिन अनलाइव टर्म हो, क्या हो अनलाइव टर्म हो, अनलाइव टर्म कह सकते हैं कि एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल। फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स वाई प्लस फोर एक्स, इसमें कितने टर्म है? टू टर्म है, और दोनों के वेरिएबल क्या है? सेम नहीं है, अनलाइक होना चाहिए। एक आप एग्जाम्पल और देखिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी सी, और कोई एग्जाम्पल देखिए, एक्स प्लस थ्री, आया जी सभी को समझ में? आपको माइंड में इतना रखना है कि बायनोमियल मीन टू टर्म, और लेकिन क्या होना चाहिए? अनलाइव टर्म होना चाहिए। समझ में आ गया जी? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। थर्ड नंबर पर देखे, ट्राइनोमियल एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म, कितने टर्म होना चाहिए? थ्री टर्म होना चाहिए, थ्री टर्म। तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपको माइंड में इतना रखना है थ्री टर्म, ये थ्री टर्म आपको माइंड में रखना है, और लेकिन इनके वेरिएबल ए क्या होना चाहिए? अनलाइव टर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अनलाइव टर्म होना चाहिए, अनलाइव टर्म।
टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री। देख लीजिए कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। दूसरा ले लीजिए थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर। आया जी समझ में सभी को? यस सर। यस सर। तो ट्राइनोमियल मीन्स हो जाएगा आपका थ्री टर्म, और थ्री टर्म में क्या होना चाहिए? अलाइव टर्म होना चाहिए। किसी को कहीं डाउट? नो सर। फोर ए बी प्लस टू ए प्लस फाइव। और किसी को कोई कुछ पूछना है? नो सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा जी, फिर बाद में मत करना कि समझ में नहीं आया। कहीं कहीं आपको क्वाड्रिलेटरल भी दिया रहता है, और क्वाड्रिलेटरल मीन्स हो जाएगा फोर टर्म। क्या हो जाएगा? फोर टर्म्स। तो इनमें भी अनलाइक टर्म होगा ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में यही है इसलिए इसी को बताया गया है। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, और समझ में